एक्सक्यूज मी। यस मैम। यहाँ कोई कार आई होगी काया के लिए। नो मैम। आर यू श्योर? यस मैम। इस मैनेजर की फितरत है गलतियां करना। मैंने कहा था मुझे इंतजार करना सख्त ना पसंद है, फिर भी फाइनली आ गई। यस मैम। ये गाड़ी मेरे लिए, काया के लिए भिजवाई होगी ना रणवीर ने? सॉरी, ये कार प्राची मैम के लिए आई है। हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? एब्सोल्युटली फाइन। कार तुम्हारी है? हाँ, मतलब होटल की है पर मेरे लिए। क्यों, क्या हो गया? आई थॉट मेरे लिए आई है, मैं ऑलमोस्ट बैठ ही गई थी। ओके, तुम होटल ही जा रही हो ना, तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चलो, आई जस्ट मेक अ कॉल। श्योर। हेलो, मैं निकल रही हूँ, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर का है मतलब? तुम ड्राइवर भिजवाने वाले थे मेरे लिए, राइट? तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो, थोड़ा लेट आओ ना, ड्राइवर आने वाला होगा। हेलो हेलो, अरे यार ये तो सिग्नल भी नहीं आता यहाँ पे, फोन भी नहीं कर सकते, सामने पुलिस वाले खड़े। और वैसे इस लड़की ने मुझे समझा क्या हुआ? मैनेजर मैनेजर बोल के इसने क्या पर्सनल मैनेजर समझा हुआ है मुझे अपना, कि मैं सारे काम कर दूंगा इसके? नहीं कर रहा मैं। लेट्स गो। चुप रहने का कंपटीशन होता ना तो मैं फर्स्ट प्राइज लेकर आती, बट विद कंपनी आई लाइक टू टॉक। सफर काफी लंबा है, अनजान लोगों की तरह साथ बैठे रहे तो बोर हो जाएंगे। बात तो बिल्कुल सही कर रही हो। और मुझे लगता है हमारी किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से टकरा ही देती है। एक दूसरे के नाम तो हम जान चुके हैं मगर उससे ज्यादा एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई थिंक वी शुड गेट टू नो ईच अदर। तो तुम मुझे बताओ अपने बारे में कुछ, योर लाइक्स, डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, हॉबीज, इंटरेस्ट, एनीथिंग। ओके, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद नहीं है? वो लोग जिन्हें वक्त की कोई कीमत नहीं, क्योंकि जिन्हें वक्त की कोई कदर नहीं, वक्त उनकी कदर नहीं करता। एंड टाइम इज मनी। और डैड, आई मीन जब मुझे डांटते हैं तो और मेरा बॉयफ्रेंड, ही इज सो इरिटेटिंग। हर दो मिनट की खबर चाहिए उसे, हर पाँच छः घंटे बाद कॉल करके मैं कहाँ हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, मैं क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ। सो इरिटेटिंग। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे कंसर्न है, वो केयर करता है, तुम्हारी चिंता करता है। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? तुम बताओ तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? फेस रीडर तो नहीं हूँ मगर इतना समझ आ रहा है कि किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, काफी चोट पहुँचाई है तुम्हें। सी, मैं ये सारी बातें कभी ज्यादा किसी के साथ करती नहीं हूँ, बट बिलीव मी आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल कह रहा है तुमसे ये कहने के लिए कि आई थिंक यू शुड मूव ऑन। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आई मीन जिन्हें हमारी कोई कदर नहीं उनके लिए अपना वक्त बर्बाद करना, अपने आंसू बर्बाद करना, इट्स नॉट फेयर। कोशिश की थी, नहीं हो पाया। डोंट वरी, अब होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। एंड बिलीव मी, तुम्हारे दिल और दिमाग से उस लड़के का फितूर पूरी तरह से हटा दूंगी। जब तक हम होटल में साथ हैं, बिलीव मी आई विल चेंज यू कंप्लीटली, न्यू प्राची।